कल है ना अपने सवाल 25 तक कंप्लीट हुए थे, 26 नंबर का सवाल सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे क्या करना है कि तीन संख्याओं का योग दिया गया है 64, और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 3:5 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 5:8, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो तीन संख्या है ना उनका अनुपात निकालेंगे बच्चों। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग बता दो। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दो संख्याओं का अनुपात है वो लिखेंगे, वो दिया है 3:5, और उसके बाद दूसरी और तीसरी का क्या दिया है 5:8। तो इस तरीके से ए बी सी मिल जाएगा आपको, है ना। 3 5 15, 5 5 25 और 5 8 40। 5 से कट कर जाए, कट कर लेंगे इसको हम लोग। 5 से जब कट करो तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 5 25 और 5 8 40, 3 5 और 8 का अनुपात आ गया। अब उसने बोला क्या, इसमें दूसरी संख्या फाइंड करना है आपको। दूसरी संख्या क्या दी है 5, ठीक है। दूसरी संख्या सबको जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 8 16, और उनका योगफल कितना दिया है 64। कट कर लो, 16 चौक 64 और 4 5 20, आंसर क्या जाएगा 20 दूसरी संख्या, ठीक है। लिखो, देखो अच्छा यहाँ पे ध्यान दो। 27 नंबर में क्या करेंगे, तीन संख्या अनुपात में दी है, इनमें से बड़ी और छोटी संख्या का क्या दिया है योगफल। आप देखो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है 5, छोटी संख्या क्या है 3, इनका योगफल बोला है। तो यहाँ पे वो संख्या समझ के चलो 3x और 5x है, जब इनको आप जोड़ते हो, ठीक है। तो उसने क्या बोला, तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तीसरी संख्या यहाँ पे क्या बची आपकी 4, और ये अगर 52 को जोड़ते हो तो ये दोनों क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 3 और 5 कितना हो गया 8x, बराबर में 4x प्लस में 52। 4x प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, 8x माइनस 4x बराबर में 52, माइनस किए तो क्या बचेंगे 4x बराबर में 52। x बराबर क्या हो जाएगा 52/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब यहाँ पे बच्चों छोटी बड़ी जो भी संख्या पूछी होगी आप निकाल लोगे, तो यहाँ पे अनुपात दिया था 3 4 और 5 का, तो सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी दिखाई दे रही है आपको 3, है ना। तो यहाँ पे ना 13 से गुना कर लो, 13 3 39 सबसे छोटी संख्या है, बीच वाली संख्या 13 चौक 52 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 13 5 65। अब छोटी संख्या पूछिए तो यही इसका आंसर होगा, क्लियर हुआ। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, सवाल नंबर 28, 28 नंबर में देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है कि दो संख्याओं का बच्चों क्या दिया है यहाँ पे गुणनफल दिया है, गुणनफल दिया है ना इसमें। देखो जब भी बच्चों गुणनफल दिया रहेगा, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे इन संख्याओं का गुणा करना है आपको। योगफल दिया था तो हम लोग जोड़ रहे थे, और अंतर था तो क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे गुणनफल दिया था, इसमें छोटी संख्या पूछी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, या फिर छोटी संख्या पूछी तो छोटी संख्या क्या दिख रही दोनों में से 11, 11 लिखो। बटे में क्या आ जाएगा ये बता दो मुझे, बटे में यहाँ पे गुणनफल दिया है बेटा, गुणनफल है तो यहाँ पे इनका गुणनफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे गुणनफल, मतलब ये हो जाएगा 11 गुना में कितना 12 लिखेंगे, बराबर है। और इसके बाद गुणा कर लेंगे जो कि एग्जैक्टली दिया गया है, क्या दिया गया है वो 4752, क्लियर है। तो बच्चों इस तरीके के सवाल जब गुणनफल के रहेंगे तो ये बात ध्यान में रखना, छोटी संख्या आपको निकालनी है और इसको आपको डिवाइड करना होता, तो इसको लिखते समय ऐसे लिखना, इसको लिखते समय सबसे पहले गुणनफल लिख लेना, क्या लिखा है 4752 अपॉन में ये लिख लेना आपका 11 गुना में 12, जो अनुपात दिया रहेगा उन संख्याओं का गुणा कर लेना। गुणनफल में इसका वर्गमूल निकालते, क्या निकालते बच्चों वर्गमूल, छोटी संख्या बोली रहेगी तो छोटी संख्या के साथ जो अनुपात होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो जब इसको कट करने जाओगे तो कितना कटेगा, कितने बार में कट जाएगा ये 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, कितना बचेगा 3, 11 3 33, 11 दूनी 22, 12 से कट कर लो, 12 3 36, 7 बचेंगे और 12 6 72, वर्गमूल के अंदर है, और मल्टीप्लाइड बाय 11, 36 का वर्गमूल कितना आता है 6 गुना में 11, मतलब जो छोटी संख्या वो कौन सी है 11 6 66, बड़ी संख्या बोलते तो 12 6 72, क्योंकि उन संख्याओं का अनुपात 11 और 12 दिया है, 6 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी और बड़ी संख्या दोनों मिल जाएगी आपको, क्लियर हुआ। लिखो, सवाल नंबर 29 देखो, यहाँ पे लिखा है 624 को 3 मित्रों में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया, तो तीसरे मित्र का भाग क्या होगा। बच्चों जब ये फ्रैक्शन में आएंगे तो फ्रैक्शन में क्या करना, जो आपका हर रहता है हर का लसावी ले लेना, क्या ले लेना हर का लसावी। यहाँ पे आपका अनुपात दिया है 1/2, 1/3 और 1/4, तो यहाँ पे जो हर दिया गया है, ठीक है, डिनोमिनेटर इनका क्या ले लेंगे एलसीएम,
लसावी, और लसावी से इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम है ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा ना। तो 12 से क्या करो, सभी अनुपात में ना मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना में 12 अनुपात में 1/3 गुना में क्या 12 अनुपात में 1/4 गुना में 12। ठीक है, तो आपको ना कंप्लीट अनुपात मिल जाएगा, मतलब पूर्णांक में मिल जाएगा, या पूर्णांक में था ना तो पूर्णांक में आपको अनुपात मिल जाएगा, तो आप इजीली निकाल पाओगे। देखो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 त्रिक 12, मतलब जो तीन फ्रेंड थे ना उनका जो अनुपात है ना वो कौन सा है, 6, 4 और 3। अब सवाल क्या पूछ लिया उसने, उसने बोला है तो तीसरे मित्र का भाग क्या होगा, तीसरा कौन है, ये 3। तो तीसरे का भाग जब निकालेंगे आप तो तीसरे का अनुपात ले लो, वो आ गया 3। यहाँ पे 624 को विभाजित करना है, मतलब उनका योगफल दिया गया है, इनका योगफल करो, 6, 4, 10 और 3, 13, और टोटल कितने हैं, 624 रुपए। कट करो, 13 चौक 52 और 13 8 104। जब कट करोगे 3 8 24 और 3 चौक 12, 13 14, 144 रुपए उसको मिलेंगे। ऑप्शन में दिया गया है 4 नंबर का करेक्ट है। चलो लिखो, ये क्या करेंगे, 30 नंबर का है ना, होमवर्क में डाल देना। चलो 31 का करो। देखो बेटा 31 नंबर का देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है कि 30,000 रुपए के लाभ को ए बी सी 3, 5, 7 के अनुपात में बांटने पर बी तथा सी के भागों का अंतर, देखो बी और सी का अंतर मतलब इन दोनों का अंतर निकालना है। 5 और 7 का अंतर कितना दिया है, 2 का दिया है, ठीक है, डायरेक्ट अंतर निकालो, 2 जो अंतर दिया वही लिख लो। इसके बाद 30,000 के लाभ को बांटना था इन तीनों में, मतलब इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 7 और 3 10 और 5 15, ठीक है। अंतर पूछा तो डायरेक्टली क्या करो, डिफरेंस ही निकाल लो, अपने को निकाल के माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 30,000 से डिवाइड करना है आपको, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यहाँ पे 2,000 आया, 2,000 का डबल किए तो 4,000, मतलब बी और सी का अंतर कितना आएगा, 4,000 रुपए का। क्लियर हुआ, 32, 32 ये होमवर्क में करो बेटा, ये 33 करो, चलो फटाक से 33। 35 नंबर तक सबका हो गया रहेगा, बराबर है। 34 नंबर का आंसर कितना है, एक मिनट रुको, रुक रहे क्या, रुको, यहाँ पे देखो क्या दिया, 26,540 की संपत्ति है उसके पास, देखो 26,540, उसने क्या किया, उसमें से 9,200 अपनी पत्नी को दे दिए, ठीक है, कितना दिया, 9,200 रुपये, ये माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 0, 4, 3 और यहाँ पे 16 में से 9 गए तो 7, 17,340 रुपए बचे उसके पास। अब 17,340 रुपए है ना वो अपने पुत्रों को में विभाजित करता है 1, 2, 3 के अनुपात में, उसके पहले पुत्र को कितना मिलेगा, पहले पुत्र को बोले तो 1 का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 में सबको जोड़ लो, कितना दिया, 3, 2, 5 और 1, 6 गुना में 17,340 रुपए कर लेंगे। कट करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 बचेंगे है ना, 6 8 48 कितने बचेंगे, 5 और 6 9 54 0, 2890 रुपये बचेंगे उसके पास, मतलब पहले वाले को, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। क्लियर हुआ, 2890। 34 नंबर का आंसर कितना है बच्चों, 1680 है सबका। 35 नंबर का 350, ए करेक्ट है। 36 नंबर का देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों, 36 में क्या दिया गया है कि 6,400 को 3 श्रमिकों में 3/5 अनुपात में 2 अनुपात में कितना दिया है, 5/3 में बांटा गया, बताएं कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा क्या होगा, मतलब ये जो 2 दिया गया है इसका हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये 2 बोले तो 2/1 है, क्या है, 2/1, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम, ये बता दो 5, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो क्या करो, 5, 1 और 3 का एलसीएम आपने निकाला, वो आ गया आपका 15। अब 15 से ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो 3/5 गुना में 15 अनुपात में 2/1 गुना में 15 अनुपात में 5/3 गुना में 15,
जब ये कट करोगे तो 5 त्रिक 15, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 15 दूनी 30, और यहाँ पे 3 पचे 15, 5 पचे 25, ये अनुपात मिला तीनों का बच्चों, ठीक है। अब उसने सवाल क्या पूछा है, तो दूसरे श्रमिक का हिस्सा क्या होगा, दूसरे का अनुपात यहाँ पे कितना आ गया है, 30 आ गया है। इन सब को जोड़ लो, 25 30 55, 55 9 64, 64, और आपको बांटना कितने रुपए था, 6400 रुपए ही बांटना था। कट करोगे तो 100 बार में कट जाएगा, ये 100 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3000 रुपये मिलेगा दूसरे श्रमिक को। दिया गया ऑप्शन में बी इसका आंसर करेक्ट है बच्चों। उसी तरीके से 37 करना है, 37 होमवर्क में कर लेंगे आप, 38 नंबर का सवाल करेंगे अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 38। एक व्यक्ति ने अपने धन को 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को कितना मिलता है, पहले को 20%, दूसरे को 30%, तो तीसरे पुत्र को कितना मिला होगा बच्चों। देखो अब ये बताओ, परसेंट में दिया है, परसेंट में बोले तो पूरा 100% होता है, 3 लोगों में ही बांटना है, पहले को 20%, दूसरे को 30%, तो टोटल कितना हो गया, 50%। जो बचा है ना वो तीसरे को दे रहा है, उसने बोला है, और शेष तीसरे पुत्र को, जो शेष बचा है वो 50% बचा है, तो 50% किसको मिलेगा, तीसरे पुत्र को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा, मतलब इनका अनुपात निकालना है। अनुपात बोले तो बस इस तरीके से कर देना है, अब जो कटेगा उसको कट कर लो। देखो सबसे पहले परसेंट सबका कट गया, इसके बाद एक एक जीरो कट गया सबका, तो बचा क्या, 2:3:5, यही उसका आंसर है बच्चों। कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट दिया गया है, क्लियर है। 39 करो, चलो थर्टी नाइन करने की कोशिश करो। 39 नंबर का देखेंगे, यहाँ पे बोला है 1980 जो रुपए दिए ना उसको ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए का आधा भाग, देखो ए का आधा भाग बोले तो ए बटे में 2 लिख सकते हो, या फिर ए गुना में 1/2, ए का आधा भाग, और क्या बोला है, बी का 1/3, बी का 1/3 भाग, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पता है ना, और बोला है सी का 1/4 भाग, सी का 1/4 भाग, ये सब ना बराबर है, क्या है बच्चों, बराबर है, ऐसा बोला गया है। अब यहाँ पे ना ए अनुपात बी निकाल लो और सी अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो, ये 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे करोगे बच्चों पता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका दिया गया है ए बटे में 2, क्लियर है, इसके बाद क्या आ जाएगा, बराबर में बी बटे में 3, बराबर में क्या आ जाएगा, सी बटे में 6। तो यहाँ पे एक एक तरीके से देखेंगे अनुपात आपको मिल ही चुका है, वो अनुपात क्या है, 2:3:6। क्या करोगे, इनका एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। एलसीएम निकालो क्या हो जाएगा, या दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, देखो ये 2 को पकड़ो पहले, क्या हो जाएगा, ए बटे में 2 बराबर दिया है बी बटे में 3। देखो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, सीधे सीधे तरीका देख लो, 2:2 अनुपात लेके कर सकते हो। अब यहाँ पे बी लेके आ जाओ, ए बटे में बी बराबर कितना आ जाएगा, 2/3, क्लियर है, कितने तरीके सवाल आएगा देख लो। अब यहाँ पे क्या करो, इसको ले लो, बी बटे में 3 बराबर में सी बटे में 6, तो बी बटे में सी कितना हो जाएगा ये बता दो, 3/6, यानी कि 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा ना, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया। अब ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हो, 2:3 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1:2 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6। देखो आपने जो शुरुआत में लिखा था ना 2 3 6, वही संख्या मिल गई क्या, किसी भी तरीके से करो वही आंसर मिलेगा। जब संख्याएं बराबर में हो, नीचे वाली संख्याएं वो अनुपात में ही होती है, किसमें होती है, अनुपात में, तो ये इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अब उसने आगे बोला क्या है, तो बी का भाग क्या होगा, बी कितना दिया है, 3 दिया है, बराबर है, बी जब 3 दिया है तो ले लो बी का भाग, बी का भाग आपका हो जाएगा बच्चों, बी का दिया गया कितना, 3/2 में, सबको जोड़ लो, 3 2 5 और 6 11, और कितने रुपए बांटने थे, 1980 रुपए, कट कर लो, 11 एकम 11, 11 8 88, और ये 0, 18 3 54, 540 रुपए मिलेंगे बी को, आया था 540 रुपए, 360 कितने लोगों का था, गड़बड़ था, इसका आंसर 540 रुपए, चलो लिखो। 40 नंबर का बच्चों यहाँ पे देखेंगे, देखो
ए बी और सी में 1290 इस प्रकार बांटे गए कि ए का हिस्सा क्या बी के हिस्से का 3/2 गुना है। देखो जो ए का हिस्सा दिया है वो बी का कितना है 3/2 गुना है, ये ऐसा दिया है। जो ए का हिस्सा है ना वो बी का क्या है 3/2 गुना है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए बटे में बी निकालो बेटा। यहाँ पे गुना में था इस तरफ डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पे बचा 3/2, मतलब ए अनुपात में बी कितना है 3/2। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखो आगे उसने क्या बोला इक्वेशन, उसने बोला बी के हिस्से का 3/2 गुना है कौन, रुको कहाँ गया, हाँ तथा बी का हिस्सा, उसने बोला है बी का हिस्सा सी के कितना बोला है 1/3, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 4 एकम 4 और 3 7/4 है, ठीक है, तो क्या है सी का 7/4 है और ये बराबर दिया गया है, तो ये क्या करो सी इधर लेके आओ, तो बी बटे में सी कितना हो जाएगा 7/4, तो ये आपको मिल गया। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ए अनुपात में बी अनुपात में सी निकाल लेंगे, तो आपको पता ना कैसे निकालेंगे, 3/2 और 7/4, जब ये करोगे तो 3 सते 21 7 दूनी 14 और 2 चौक 8। अब ये कुछ तो कटेगा नहीं, अब उसने बोला क्या इसमें से, बेटा काम कर तेरा मोबाइल आज मेरे को देख के जाएगा और 7 दिन बाद ही मेरे से मोबाइल लेगा, इतने बार बोला। अब इसमें क्या बोला उसने, ए का हिस्सा क्या होगा, अब ए का अनुपात बच्चों यहाँ पे कितना आ गया है 21 आ गया है, ए का जो अनुपात है वो 21 आ गया, इनको सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 29 4 45 आ रहेगा, ये 45 ना 43 और मल्टीप्लाइड बाय कितना 1290। जब ये कट करोगे तो बेटा 3 बार में कट जा रहा है, कितने बार में 3 बार में, और 30 हो जाएगा, तो देख 63 630 रुपये मिलेंगे इसको, ए को। क्लियर हुआ। अब क्या करो 41 नंबर का होमवर्क, 41 का होमवर्क कर लेना, जिनका नहीं हुआ उनके लिए बता रहा हूँ, ये 42 का करो फटाफट, चलो 42 करेंगे। हाँ कौन सा 41 नहीं आया है, देखो 41 में क्या दिया बच्चों, ए बी सी में ना जो 4200 रुपए की धनराशि 7 8 6 के अनुपात में पहले बांट लो उसको, ठीक है, तो बांटेंगे कैसे, देखो ए बी और सी का जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है 7 8 और 6 दिया है, तो सबसे पहले इनको जो अमाउंट है वो बांटेंगे, अब इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 8 और 7 15 और 6 15 6 21, तो क्या करेंगे ए का जो हिस्सा होगा 7/21 × 42, इसका हो जाएगा 8/21 × 42 और यहाँ पे 6/21 × 2200, तो मतलब तीनों का हिस्सा मिल जाएगा अपने को यहाँ पे कट करने के बाद। देखो 21 दूनी 42 7 दूनी 1400, यहाँ पे 1400 आएगा, यहाँ पे 21 दूनी 42, यहाँ पे 1600 हो जाएगा, 21 दूनी 42, यहाँ पे 1200 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इन तीनों को मिलने वाला अमाउंट हो गया ये। उसने क्या बोला है इसके बाद, प्रत्येक यदि प्रत्येक में 200 रुपये ऐड किया जाए, सबके साथ 200 200 ऐड कर लेना, यहाँ पे +200 +200 और +200 जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा 1600, ये 1800 और ये 1400, तो बोला है कि नया अनुपात क्या होगा, बस यही, यहाँ पे 2 0 2 0 कट कर लो सबके, ये कटे और 2 से कट जाएंगे, 2 8 16 2 9 18 और 2 7 14, 8 9 और 7 का अनुपात होगा, ऑप्शन में दिया गया है 8 9 7। चलो 42 करो अभी, देखो बच्चों सवाल नंबर 42, 42 था क्या ये, नहीं ये 43 था ना, सॉरी ये 41 था, अभी कौन सा आएगा 42। देखो बच्चों 42 में क्या बोला है, जो 53 रुपए है ना उसको एक्स वाई जेड के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जितना वाई को मिलता है उससे 7 रुपए एक्स को अधिक मिलते हैं तथा जितना जेड को मिलता है उससे 8 रुपए वाई को अधिक मिलते हैं। देखो इतना सरल सवाल दिया उसमें, एक्स वाई और जेड 3 लोग दिए गए और 3 लोगों में कितने रुपए बांटने अपने को 53 रुपए, बराबर है क्या, लेकिन उसमें कंडीशन ये बोली है कि एक्स वाई जेड मतलब एक्स को वाई से अधिक मिलता है और वाई को जेड से अधिक मिलता है, सवाल में यही बोला है क्या बच्चों, समझ में आया क्या, देखो उसने क्या बोला है y को मिलता है उससे 7 रुपए अधिक किसको मिलता है x को, मतलब x को ज्यादा मिल रहा है किससे y से, कितना रुपए 7 रुपए, ठीक है। इसके बाद बोला है कि जितना z को मिलता है, अब z को जितना भी मिलेगा उससे 8 रुपए अधिक किसको मिलता है y को,
वाई को ज्यादा मिल रहा है, मतलब सबसे कम यहाँ पे किसको मिल रहा है, एक्स जेड को मिल रहा है, तो जेड का समझ के चलो एक्स रुपए है। वाई को कितना रुपया अधिक मिल रहा है, 8 रुपए, 8 रुपए वाई को 8 रुपया अधिक मिल रहा है, मतलब एक्स प्लस ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्स है उसको वाई से 7 रुपए अधिक मिल रहा है, कितना रुपया अधिक मिल रहा है, 7 रुपए, मतलब वाई को तो मिला है एक्स प्लस 8, लेकिन एक्स है ना उसको 7 रुपए और अधिक मिल रहा है, तो ये 3 रुपए, तीनों का ये विभाजन हो गया, और तीनों को मिलाकर कितना रुपए है, 53 रुपए, मतलब यहाँ पे ना तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको 53 रुपए मिलते हैं, बस इतना ही सवाल है। जब इसको ऐड करने जाओगे कैसा हो जाएगा, देखो 1x, 2x और 3x हो गया, प्लस में 8 और 7 15, 15 और 8 23, बराबर में 53, ये 23 प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर हो गया 53 माइनस 23, x बराबर बचेगा 30/3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब उसने बोला क्या है सवाल में, उसने बोला है उनमें से हिस्सों का अनुपात, अब क्या करना है उनके हिस्से जो है वो डिवाइड कर लेना है, देखो कैसे है। ये x y और z, अब ये बताओ z को कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपए बेटा, क्योंकि x की वैल्यू 10 आई और z को आपने क्या लिया था, x लिया था, देखो समझ में आ रहा है ना, जेड कितना लिया था, एक्स, मतलब जेड को मिलेंगे 10 रुपए, वाई को कितने मिलेंगे, 10 और 8 18 रुपए, एक्स को कितने मिलेंगे, 8 7 15, मतलब 10 और 15 25 रुपए, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, बस यही अनुपात इसका, देखो दिया ऑप्शन में 25 18 10, 25 18 10, क्लियर हो बच्चों, लिख लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे 43 में क्या बोला है, एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे बच्चों क्या करना था, देखो उसको 4:5 के अनुपात में बांटना था और बांटा किसमें, 5 और 6 के अनुपात में, तो क्या होता है जब गलती से बांटता है ना तो उसको ना ब्रजेश को 6 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं, तो उसने बोला है वो राशि कितनी थी, मतलब ब्रिजेश को कितने रुपए मिले, ऐसा उसने पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे पता है, यहाँ पे ब्रिजेश दिया और क्या दिया है, सुरेश दिया है, बांटना कौन से अनुपात में था आपको, 4 और 5 के अनुपात में ये बांटा जाना था, तो ये मुझे बताओ अगर इस अनुपात में बांटना था तो ब्रिजेश का हिस्सा क्या होगा, ब्रिजेश का हिस्सा यही होगा ना बेटा, देखो जिसका हिस्सा पूछते वही अनुपात लिख लेते ऊपर है ना, और बटे में क्या करते हैं हम लोग दोनों को ऐड करते हैं, तो 4 और 5 9 हो जाएगा, मतलब 4x इनके साथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4x/9, ये ब्रिजेश का हिस्सा हुआ, लेकिन मिस्टेक से क्या हुआ कि उनको मिला क्या हिस्सा है, 5 और 6 का अनुपात मिल गया है, तो यहाँ पे ब्रिजेश का हिस्सा क्या होगा बता दो, ब्रिजेश का हिस्सा होगा 5x वाला, बराबर है कि नहीं, ये तो सुरेश का है, तो ब्रिजेश का होगा 5x/ कितना, 6 5 11, मिलना था ये, मिला ये, इसकी वजह से क्या हो गया उसको ज्यादा पैसे मिले, ज्यादा पैसे बोले तो इनका अंतर हो गया, क्या हो गया, अंतर, इन दोनों का अंतर दिया गया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पैसे करेंगे 5x/11 - 4x/9, इन दोनों को जब घटाते हैं ना तो कितना आता है, 6 रुपए आता है, वो अंतर का मतलब ये हो ना, तो अगर देखो मैंने बोला कि मुझे 10 रुपए मिलने थे, अभी 15 रुपए मिल गए, तो कितने ज्यादा मिले, 5 रुपए, क्या किया आपने, 15 में से 10 माइनस किया, तो यहाँ पे पहले मिलना उसको इतना था 4 और मिला उसको 5, तो उसको 6 रुपए ज्यादा मिले, मतलब वो अंतर था। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है सिर्फ अपने को, देखो 9 5 45, 11 4 44 बराबर में ये 6 दिया है, देखो 11 9 99 होगा, डिवाइड में होगा, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, जब करोगे तो 45 में से 44 के कितने बचेंगे, एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 6 9 54, 6 9 54 और कितना, 5 59, 594 रुपये राशि थी, समझ आया बच्चों, लिख लो। देखो ये जो दिया गया ना बच्चों 44 वाला, ये होमवर्क में कर लेंगे, अभी आपको करना है 45, चलो ये वाला करो फटाक से करो, क्वेश्चन नंबर 45, उसने क्या बोला है कि ए और बी की मासिक आय, आय मतलब क्या होता है, इनकम मतलब पगार, ठीक है, कितना कमाता है वो, 4 और 5 के अनुपात में है, उनके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब होता है खर्च, क्या होता है, खर्च का अनुपात 5:6 है, यदि ए प्रतिमा 25 रुपये बचाता है और बी प्रतिमा 50 रुपये बचाता है तो ए की आय क्या होगी, देखो अब मुझे ये बताओ अगर आप 100 रुपये कमाते हो, 50 रुपये खर्च करते हो, बचत कितनी है, 50।
50। इसका मतलब इनकम में से आपके खर्च माइनस करोगे तो आपको बचत होगी, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चों जो फॉर्मूला नॉर्मली लगेगा आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। सबसे पहले उसने दिया है आय, क्या दिया है आय, आय मतलब होती है इनकम। अगर इसमें से आप माइनस करोगे खर्च यानी कि व्यय, तो क्या बचेगा आपका, बचत हो जाएगी। ये सुनो बच्चों, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझो कि आपकी जो भी इनकम होगी, आपने जो खर्चा किया वो हटा दो तो जो आपके पास बचत होगी वो आ जाएगी। ये सुनो, या फिर बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय, इनकम माइनस खर्च, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे सवाल दिया है कि दो लोग है, एक तो ए है और एक तो बी है, जो उनकी मासिक आय दिया है 4-5 है, मतलब जो आय है ना ए की वो 4x रुपए है और बी की कितनी है 5x रुपए, मतलब ए 4 रुपए कमाता है और बी 5 रुपए कमाता है। इसके बाद उसने खर्च बोला है, क्या बोला है खर्च, खर्च क्या बोला है बच्चों कि ए 5 रुपए खर्च करता है और बी कितना खर्च करता है 6 रुपए। तो यहाँ पे समझ के चलो जो खर्च करता है ए वो करता है 5y और बी कितना करता है 6y। जब इनका माइनस करोगे ना तो बच्चों बचत आती है अपनी, क्या आती है बचत। उसने बोला ए बचाता है 25 रुपए और बी बचाता है 50 रुपए, इतना समझ में आया। पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाद में शॉर्टकट में बताता हूँ इसका, ठीक है। तो ये आ गया उनकी बचत, समीकरण बन गया। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यहाँ पे बच्चों एक्स और वाई दिया गया है, दो चरांक दिए गए, इसमें से ना एक खत्म करना है, गायब करना है। तो क्या करेंगे समीकरण 1 में, अब देखो वाई वाला अगर हमको खत्म करना है, क्या करना है वाई वाला खत्म करना है, तो ये दोनों वाई समान होने चाहिए। अगर यहाँ पे 5y होता और यहाँ पे भी 5y होता तो 5 में से 5 खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो जाएंगे दोनों। तो इसका मतलब है ना ये जो 6 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, किसमें होगा पूरे में, मतलब समीकरण 1 में आप करोगे 6 से मल्टीप्लाई और समीकरण 2 में करोगे 5 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो पूरे में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 चौक 24x माइनस में 6 पंचे 30y बराबर में 25 गुना में 6 करेंगे तो 150। ये क्लियर हो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 पचे 25x माइनस 5 का 30y और यहाँ पे 5 पचे 25 मतलब 250। ये क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, ये समीकरण बना आपका 3 और ये समीकरण बना 4। अब समीकरण 3 में से ना 4 माइनस कर लो, क्या कर लो माइनस कर लो। अब कैसे माइनस करेंगे, देखो अगर माइनस करोगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइन प्लस था वो माइनस होगा, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो ये माइनस। अब ये प्लस माइनस खत्म हो गया, 24 में से 25 जाएगा, क्या 25 में से 24 जाएगा तो एक्स बचेगा, लेकिन ये माइनस में बचेगा। या में 2.5 में से 150 गए तो 100 बचेगा, लेकिन ये माइनस वाली बड़ी संख्या है ना। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस खत्म कर दो, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपए आ गई। ये क्लियर हुआ। अब उसने सवाल में आगे क्या बोला है, तो ए की आय क्या है, देखो ए की आय कितनी दी गई है 4x, तो ए की आय निकालेंगे 4x, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो कितना आ गया बेटा 400 रुपए हो गए, बराबर हुआ। अगर बी की आय पूछी होती तो बी की आय कितनी दी है 5x है, तो 5x मतलब 5 गुना में 100, तो कितना हो जाता है ये 500 रुपए। क्लियर हो बच्चों, ये लिखो, इसके बाद शॉर्टकट बताता हूँ इसका। अभी आपका देखो 45 का हो गया है, 46 और 47 दोनों सेम सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में बताया पूरा कैसे करना है, इसी तरीके से दोनों सवाल करना। अभी इसका शॉर्टकट देख लो कैसे करेंगे बच्चों। जब भी आपको इसकी ए या बी की इनकम निकालनी हो तो क्या करना, सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो, क्योंकि समझ के चलो उनकी जो पगार है ना ए और बी दी गई है, उनकी जो इनकम है वो 4x और 5x है, ठीक है समझ के चलो, क्योंकि अनुपात दिया है 4 और 5 का। तो यहाँ पे सबसे पहले ना एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग ए की पगार निकालेंगे, किसकी ए की। ए की पगार निकालने के लिए ए का अनुपात ले लेना, क्या है वो 4 दिया गया है, क्या दिया गया है 4। यहाँ पे बचत क्या करता है, ए ए की बचत कितनी है 25 रुपए बचाता है, कितना बचाता है 25 रुपए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे खर्च का अनुपात लिखना, क्या लिखना खर्च के अनुपात का अंतर, यहाँ पे खर्च का अनुपात क्या दिया है 5 अनुपात में 6, इनका अंतर लिख लेना। और बटे में क्या करना, जो आपके दो अनुपात दिए गए थे, ये दिया गया था आय और दूसरा दिया गया था व्यय, व्यय क्या दिया गया था 5 अनुपात में 6, तो इनका तिरछा गुना का अंतर लिखना नीचे,
यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25 और 6 4 24। जब ये करोगे 25 चौक 100 गुना में 6 में से 5 गए 1/1, मतलब ये कितना आ गया आपका 100 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो ए की पगार कितनी हो गई 4 गुना में 100 400 और बी की पगार कितनी हो गई 5 गुना में 100 मतलब 500। क्लियर हुआ। जब बच्चों इसको लिखते जाओगे तो कैसे लिखते, देखो फॉर्मूला लिख लो। ए की पगार बोलेगा ए की आय या फिर बी की आय, बराबर है। आप सूत्र बता रहा हूं यहाँ पे देखो, ए की आय पूछेगा तो ए का अनुपात गुना में ए की बचत गुना में खर्च के अनुपात का अंतर। बटे में आय और व्यय, इनकम और खर्च, अनुपात का तिरछा गुना का अंतर। ये जब फॉर्मूला लगाओगे बच्चों ना, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। कई बार यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकलती है और कई बार आपका डायरेक्ट आंसर भी आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 46 नंबर का बच्चों देखेंगे, देखो 46 नंबर का सवाल करके बताता हूँ आपको पूरा डायरेक्ट। यहाँ पे क्या बोला है कि ए की आय पूछी, क्या पूछी बच्चों ए की आय। देखो ए की आय कैसे निकलेगी डायरेक्ट, ए की आय ए का अनुपात क्या दिया है बता दो पहले। ए की आय का अनुपात कितना दिया है 3, लिख लो 3 गुना में। ए की बचत, अभी ए की बचत कितनी दी है 200, मतलब प्रत्येक 200 रुपये बचाता है। जब प्रत्येक की बचत सेम होगी तब डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, जब बचत दोनों की अलग अलग होगी तब एक्स की वैल्यू आएगी। ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे दोनों की बचत अलग अलग थी इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकली थी। अब इस सवाल में डायरेक्ट उसने क्या बोला, देखो 46 नंबर में, कि दोनों की बचत कितनी दी गई है 200 रुपये, प्रत्येक की बचत समान है तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे बचत कितनी दी है 200 रुपये। इसके बाद खर्च के अनुपात का अंतर, अब खर्च यहाँ पे क्या दिया देखो 5 और 3 का दिया है खर्च, तो इनका अंतर कितना आएगा 2 का आएगा। बटे में इनका जो अनुपात दिया है ना बेटा आय और व्यय, यहाँ पे देखो 3 अनुपात में 2 है और यहाँ पे 5 अनुपात में 3 खर्च है, तो इनके तिरछे गुने का अंतर 3 त्रिका 9 माइनस में 5 दुनी 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसा हो जाएगा, देखो 3 दुनी 6 6 दुनी 12 और ये 2 0 1200, 10 में से 9 गया तो 1, मतलब आंसर कितना गया 1200। तो उसका एक का इनकम कितनी होगी 1200 रुपये, पता चल गया बच्चों। अगर बी का बोला रहता, अगर यहाँ पे बी की पगार बोली होती तो बी की पगार के लिए यहाँ पे बी का अनुपात रखते, बी की बचत रखते और सेम मेथड है, बस कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से ए और बी की पगार आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे कर लेना आगे के, पहले टॉपिक कंप्लीट करूंगा। कल आपको सिक्कों वाला बताने वाला, कौन सा सिक्कों वाला, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के होते हैं, एक वो सवाल होगा और दूसरा मिक्सर वाला होगा, ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन का। तो वो सवाल देखेंगे और कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जितने भी सवाल हैं आपके पास वो पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और जो डाउट होगा मैं आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, हाँ लिखो इसको।